स्टार ग्रुप की तरफ से सबका स्वागत है दोस्तों। ये हमारे पास जो है ना हरिद्वार से आए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा माहौल लगा और क्या सुविधा मिली आपको, या जो इससे पहला यूट्यूब में आता था ये खाली हवे में था या सही था? जो आपका यूट्यूब में आता था बिल्कुल सही है, और दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ पर इतना मन लग रहा कि मेरा जाने को मन नहीं कर रहा। मुझे इतनी सुविधा मिली, हर चीज़ की सुविधा मिली, बिल्कुल परिवार जैसा, बिल्कुल फैमिली जैसा। मैं तो ये कहता हूँ मैं जब भी आऊँगा तो हर समय यहीं आकर के रुकूँगा, और हर बात की सुविधा मुझे। फिर इसके आप किस माध्यम से यहाँ पे आए थे, क्या काम के लिए आप आए थे यहाँ? मैं राइटर एंड डायरेक्टर हूँ, मैं अपने वर्क के लिए यहाँ पर आया था, और वो वर्क जो है मेरा हो जाएगा, बात मेरी हो चुकी है, उसके बाद में जब भी मैं आऊंगा तो मुझे ही रुकना है। तो बाकी का जो दर्शक जो है आने वाले और जो चीजें करने वाले, तो उनको आएगा तो क्या करना चाहिए आने के साथ में? क्योंकि मैं तो हर वीडियो में बोलता ही हूँ लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते उसको। मैं उनसे ये कहूंगा वो दर्शक जब भी आए, वो किसी भी उससे आए, मकसद से आए, किसी भी उद्देश्य से आए, यहाँ से बढ़िया सुविधा उनको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल फैमिली जैसा, ऐसा परिवार, बिल्कुल भाईचारा। अपनी फैमिली में भी उनको इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना प्यार यहाँ मिलता है। शांति, सुकून। और यहाँ पे जो है ऑडिशन के लिए जो अपन जगह बनाया है, ऑडिशन के लिए, थिएटर के लिए, एक्टिंग के लिए, कैमरे के लिए, वो आपको कैसा लगा जो नया भी बनाया है? बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर जो सर गिलास देते हैं, ये गिलास आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे देते हैं जैसे अपना परिवार, अपने भाई, इस तरीके से सिखाते हैं। तो आप यहाँ आइए और आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और जरूर जो अपने पास आते हैं और कहीं पे भी जाते हैं, मेरा हमेशा कहना रहता है कि भाई किधर जाके फंसो मत आप, क्योंकि कोई भी आदमी पैसा मांगता है उनको दो मत। तो आपकी क्या राय है, जो आपने मुंबई में घुमा, जो लुच्चे लफंगे जो अपने पास जो आए, और वो ये बाहर के है सारे जो करने वाले, मुंबई के प्रॉपर नहीं है वो, तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप? उनके बोलूंगा कि वो सिर्फ इतना कहते हैं, मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, उसके बाद में वो चीटिंग करते हैं, लेकिन उनके चक्कर में पड़ने का नहीं। आप सीधे यहाँ आइए, आप यहाँ पर आइए, स्टार ग्रुप में आइए, और आकर के आप एक बार रहकर देखिए तो सही, आपको स्वयं पता चल जाएगा। क्योंकि मैं हरिद्वार से हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मैं सही कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल आप यहाँ पर आइए, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। पानी की सुविधा, गर्म पानी की सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, ठंडे पानी की सुविधा है, पीने का आरोप के पानी की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा। और बहुत से लोग ये कहते हैं हम खाएंगे क्या, खाने तक की सुविधा है, नो टेंशन, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप आइए, स्टार ग्रुप में रुकिए, और रुकने के आप रुक कर तो देखिए एक बार, कोई आपसे कुछ मांग थोड़ी रहा है। जब आप यहाँ रुकेंगे, आएंगे, इनके साथ रहेंगे, इनका व्यवहार देखेंगे, फिर आप कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर क्या है कि ये जो सारे चीज़ें दोस्तों, ये जो क्लाइंट अपने पास आते हैं या अपने को मिलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसी के लिए कुछ लोग जो रहते हैं कि एक दूसरे का इधर उधर सोचते हैं, तो मैं जो भी क्लाइंट अपने पास आता है तो डायरेक्ट आपको वीडियो उनका आपके तक पहुँचाने वाला हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि सही में क्या है, गलत है या सही है। दूसरी बात यह है कि आने के साथ में आपको कहीं ना कहीं पे सबसे पहला काम देखना चाहिए, फिर फिल्म लाइन के ऊपर आपको जहाँ कहीं पे आपको सर्च करना वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने पास में जब लोग जो आए बात है वो खुद कोऑर्डिनेटर बन के बाकी के लोगों को लेके जाके काम करवा रहे। तो यहाँ पे अभी आओगे तो आपको जूनियर आर्टिस्ट का भी काम मिलेगा, और आर्टिस्ट के लिए तो जैसा जैसा आपका हुनर है उस हिसाब से बाकी की चीज़ें चलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत होना बहुत जरूरी है, और उसी के हिसाब से बाकी की सारी चीज़ें चलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब करो, आइकॉन बेल दबाओ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद।